हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे। तो चलिए देखते हैं आज सेंट रीडिंग से ईश्वर का, यूनिवर्स का, डिवाइन का आपके लिए क्या मैसेज है, क्या संदेश है आपके लिए। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे। ओके, मुझे सबसे पहला मैसेज यही मिल रहा है कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करने वाले हैं। ओके, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में बहुत ग्रो करने वाले हैं और साथ ही यहाँ पे आप डिवाइन की एनर्जी से कनेक्ट होने वाले हैं। आप जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं यहाँ पे, और आप अपनी इंट्यूशन पावर से भी बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे आने वाले समय में। बहुत जल्दी आप यहाँ पे अपनी इंट्यूशन को प्रॉपर फॉलो कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए, आपकी जो है ना, जो कर्मों की लेयर्स है ना, जो बहुत लंबे पास्ट लाइफ से यहाँ पे चली आ रही हैं। ओके, मैंने भी 111 देखा है। तो जो कुछ ऐसे कर्म थे आपके पास्ट लाइफ से, काफ़ी लंबे टाइम से जो चले आ रहे थे ना, जो आपके जीवन में बाधा, तो वो सभी जो है ना, वो कर्म जो है वो यहाँ पे एक एक करके जो कर्मों की लेयर्स है ना, वो यहाँ पे क्लीन हो रही है आपकी। ओके, और यहाँ पे 5 नंबर बना है, 3 और 5 नंबर मुझे फील हो रहा है यहाँ पे। तो 3 और 5 नंबर मिलकर 8 नंबर बनाते हैं। तो ये 8 नंबर जो है वो डेफिनेटली एक यूनियन का साइन है, इन्फिनिटी का सिंबल है। तो आप अगर यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो यहाँ पे आप रीयूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अपने पर्सन के साथ रिकंसिलेशन यहाँ पे आपका होने वाला है। और एस लेटर बना है, तो आपके पर्सन या आपके नेम में एस लेटर हो सकता है। और देखते हैं, कि मुझे यहाँ पे एक न्यू बॉर्न बेबी जैसा फील हो रहा है। तो यहाँ पे आप, अगर आप किसी पर्सन को माइंड में रख करके देख रहे हैं इस वक्त ये रीडिंग को, और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ओके, तो यहाँ पे आपके पर्सन की अवेकनिंग बहुत स्पीड अप हो रही है, एक्टिव बहुत हो गई। आपके पर्सन की जो अवेकनिंग है बहुत एक्टिव हो चुकी है यहाँ पे। और मैंने अभी 111 देखा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। नेक्स्ट देखते हैं व्यूअर्स। ओके, जो व्यूअर्स यहाँ पे श्री हरि विष्णु जी का कोई नाम जप करते हैं, उनके लिए यहाँ पे ब्लेसिंग्स है। श्री उनके जीवन में कोई एक नई शुरुआत यहाँ पे होने वाली है विष्णु जी के आशीर्वाद से यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखिए, आपको दान पुण्य करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे गाइडेंस ये आ रही है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा दान पुण्य करना है। ओके, कुछ ऐसा दान करना है जो दूसरों की मदद करे, है ना। किसी नीडी पर्सन को आप हेल्प कर सकते हैं किसी भी तरीके से, या आप अगर फाइनेंशियली कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं, तो आप एटलीस्ट उस पर्सन के लिए, उस प्राणी के लिए नाम जप तो कर ही सकते हैं ना। उसके लिए नाम जप का दान करने के लिए आपको कहा जा रहा है। ओके, ये गाइडेंस आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा व्यूअर्स। ओके, और यहाँ पे मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि अगर आप किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं, उनके आपके पर्सन की अवेकनिंग यहाँ पे डेफिनेटली चल रही है। मैंने अभी 111 देखा है। अगर किसी पर्सन का सवाल था आपका कि आपके आपके पर्सन की अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, तो यस, ये कन्फर्मेशन है आपके पर्सन की अवेकनिंग यहाँ पे डेफिनेटली स्टार्ट हुई है। और यहाँ पे आई लेटर है, यू लेटर है, वी लेटर है, वाई लेटर है, एस लेटर है, और 15 नंबर है, 3 नंबर है, 7 नंबर है, 11 नंबर है। यहाँ पे ये सभी जो नंबर्स और अल्फाबेट्स में बता रही हूँ, ये आपसे किसी तरीके से रेजोनेट हो सकते हैं, आपसे किसी तरीके से कनेक्टेड हो सकते हैं व्यूअर्स। ओके, ओके, मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आपका ग्लो बढ़ने वाला है यहाँ पे। आप बहुत ब्यूटीफुल लगने वाले हैं, आपका
अगर आपको डाउट था कि क्या आप सुंदर हैं, आपको अपनी वर्थ पर, अपनी ब्यूटी पर डाउट था, आप दूसरों से कंपेयर करते थे, तो यूनिवर्स, ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि आप बहुत सुंदर हैं, आपको यूनिवर्स ने, ईश्वर ने बनाया है, तो आप ऐसे ही तो नहीं बनाया ना, आप ईश्वर की नज़रों में बहुत सुंदर हैं और आने वाले समय में आप बहुत सुंदर लगने भी वाले हैं। मैंने भी 222 देखा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। नेक्स्ट देखते हैं व्यूअर्स और क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है, अगर कोई व्यूअर यहाँ पे किसी तांत्रिक वगैरह के उसमें चक्कर में पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे आपको वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत गलत जगह फंस सकते हैं। ओके, आपको ऐसा कोई जगह नहीं जाना है, किसी ऐसे पर्सन से कोई गाइडेंस नहीं लेनी है। ओके, जहाँ पे जो तंत्र विद्या वगैरह की जाती है उस तरीके से। ओके, मुझे यहाँ पे शिव शक्ति की एनर्जी फील हो रही है, आपको शिव शक्ति की भी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। अगर आप शिव शक्ति डिवाइन जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो यूनियन की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं शिव शक्ति, और साथ में आपका यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज बैलेंस हो रही है आपके और आपके पर्सन की। ओके, और साथ में मुझे यहाँ पे आपके पूर्वजों की, आपके एंसेस्टर्स की भी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, अगर आप उनके लिए कुछ नाम जप वगैरह कर रहे हैं। मैंने भी 333 देखा है, तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अगर आप अपने पूर्वजों के लिए कुछ नाम जप वगैरह कर रहे हैं, तो वो उन तक पहुँच रहा है। ओके, और अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको उनके लिए, उनके आत्मा के, उनकी सोल की मुक्ति के लिए उनको, आपको नाम जप का फल देना चाहिए। फल देने का मतलब है कि आप उनके लिए नाम जप कीजिए, जितनी माला आप कर सकते हैं, और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि इस नाम जप का फल आपके पूर्वजों को दे, आपके पूर्वजों की मुक्ति के लिए, उनकी सद्गति के लिए दे, और आपके पूर्वजों को ईश्वर अपनी शरण में ले। ओके, इस इंटेंशन से आपको नाम जप करना है। 7 नंबर है, 6 नंबर है यहाँ पे व्यूअर्स, 7 नंबर। ओके, कि मुझे बार बार ये मैसेज मिल रहा है कि कुछ आपके जीवन में घटित होने वाला है, कुछ पॉजिटिव यहाँ पे, बहुत पॉजिटिव चेंज यहाँ पे आपकी लाइफ में आने वाला है, कुछ ऐसा मेजर चेंज यहाँ पे आपके जीवन में आने वाला है जो आपके लिए एक 360 डिग्री चेंज लाएगा। और मैंने भी 444 देखा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। किसी भी एरिया में हो सकता है व्यूअर्स, आप जिस भी पर्पज़ से इस रीडिंग में आए हैं, तो वहाँ पे एक मेजर चेंज डेफिनेटली आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। नेक्स्ट देखते हैं व्यूअर्स। नेक्स्ट कि किसी की लाइफ में यहाँ पे व्यूअर्स आप तक ये रीडिंग पहुँच रही है, तो आपकी लाइफ में मनी का फ्लो होने वाला है, मनी का जो ब्लॉकेज था वो यहाँ पे हील हो रहा है। ओके, जो भी आपका मनी ब्लॉकेज था, आपके अबंडेंस में जो ब्लॉकेज था, वो यहाँ पे हील हो रहा है। ओके, बहुत जल्दी आप जहाँ जहाँ पे आपका वर्क प्लेस है, वहाँ पे भी आपके बहुत एफर्ट्स जो डाले हैं आपने अभी तक, वो रिकॉग्नाइज होंगे, आपको अप्रिसिएशन मिलेगा और एक्नॉलेजमेंट होगी आपकी। ओके, आपका नेम फेम यहाँ पे बढ़ने वाला है। तो फ्रेंड्स, सेंट रीडिंग से आज के लिए आपके लिए यही मैसेजेस थे। आई होप आपको अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और गाइडेंस ज़रूर फॉलो कीजिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में ऐसी ही प्यारी सेंट रीडिंग के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माँ काली।